खो गई तू ये किस जहां में, मैं यहां हूं देख तो सफर है आखिरी कि तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों की तो हम फाड़ के रख देते हैं।
سپیلی موه ملنگ دل تا طول حدیره دی سپیلی موه ملنگ دل تا طول حدیره دی دا قیامت گمان با اکڑی دا طول مری برا پاسی محبت سیوا شی سم دا اندازه نوزی چغه می هم دا چا دا نم سر دا قلی نوزی چه محبت سیوا شی دیر دا اندازه نوزی چغه می هم دا چا دا نم سر دا قلی نوزی چه زده خشو تو رستر گمین تو خو هر سری کرده ده دا تو رستر گمین تو خو هر سری کرده ده راش پشنو سر گمین تو تو بیر بار निकालना बहुत मुश्किल होता है सोचा था बदला लूंगी तो सब खत्म हो जाएगा पर ये कभी खत्म नहीं होगा राज एक शख्स को गुस्सा बहुत आता था। वो एक दफा मौलाना साहब के पास पहुंचा और पूछा कि मौलाना साहब मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे बताएं मैं क्या करूं। तो मौलाना साहब ने कहा कि आइंदा जब भी तुम्हें गुस्सा आए तुम दरख्त पर एक कील ठोक आना। उसने ऐसा ही किया। उसे जब भी गुस्सा आया वो दरख्त पर एक कील ठोक देता और आहिस्ता आहिस्ता उसका गुस्सा बिल्कुल खत्म हो गया। वो मौलाना साहब के पास पहुंचा और कहा कि मौलाना साहब जो तरीका आपने बताया था मैंने वैसा ही किया, अब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, अब मुझे गुस्सा नहीं आता। तो मौलाना साहब ने कहा कि वापस उस दरख्त के पास जाओ और उन कीलों को निकालो। उन कीलों को निकालने के बाद वहां सुराख बाकी रह जाएंगे। ये वो सुराख है जो गुस्से की हालत में तुम लोगों के दिलों पर किया करते थे। गुस्सा वो सुलगती आग है जो सबसे पहले आपको पसंद करती है। जानी मैं आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ। वाओ, इंडिया जाओ तो साड़ी भेजना, दुबई जाओ तो ज्वेलरी, फ्रांस जाओ तो परफ्यूम। और अगर दोजख जाऊँ तो? अपनी वीडियो भेजना, हमें भी तो पता चले बीबी को सताने वाले किस हाल में होते हैं। मैंने वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले ये कहा था कि पाकिस्तान किसी से भीख नहीं मांगेगा। मैंने मजाक किया था। मैंने ये भी बताया था कि बाहर की दुनिया से लोग पाकिस्तान में नौकरियां करने आएंगे। मैंने ये भी मजाक किया था। मैंने मजाक किया था, आप लोगों ने सीरियस लिया और मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है।
मजाक को मजाक समझना चाहिए और जो बात मैं सीरियस करता हूँ उसको सीरियस लेना चाहिए। उसके बाद मैंने बात की थी तब्दीली की, तो तब्दीली आप देख रहे हैं, असद उमर को हटाया, किसी और को मिनिस्ट्री दिया, इसी तरह ये तब्दीली जारी रहेगी और मुस्तकबिल में आप में से किसी को भी चांस मिल सकते हैं पाकिस्तान की वजारत के ओहदे का। कीमतें इसलिए बढ़ाया ताकि हमारी चीज की कदर हो। पहले पाकिस्तानी को कदर नहीं थी, अब हर चीज महंगा होता जा रहा है, पाकिस्तानियों को इस चीज की कदर है कि ये महंगी चीज है तो कम इस्तेमाल करेंगे। अगर चीजें महंगी होगी तो आपकी डिमांड कम होगा, आपकी सेविंग ज्यादा होगा। इस तरह हमारा मुल्क अमेरिका से आगे जाएगा। बिजली का लोड शेडिंग इसलिए किया जा रहा है ताकि आवाम को थोड़ा सुकून हो। अगर बिजली रहेगी आप लोग काम करते रहेंगे, अब किसी हद भी जरूरी है, इसलिए हमने बिजली का लोड शेडिंग किया ताकि आवाम वक्त पे सो जाए, ताकि जहनी तौर पर पाकिस्तानी तैयार रहे, जहनी तौर पर सुकून हासिल करें, और इस तरह लोड शेडिंग इंशाल्लाह हम जारी रखेंगे और इसका दौरानिया थोड़ा इससे ज्यादा करेंगे ताकि आप एक नया पाकिस्तान देख सकें। Oh.